हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम सोर्सेज। और मैं आपकी दोस्त गीतांजलि आज आप सभी के लेकर आई हूँ 3 BHK का फ्लैट 80 गज में बना हुआ द्वारका मोड़ रामा पार्क जैसी प्राइम लोकेशन पर, जो मेट्रो स्टेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर मिलने वाला है। हाँ फैमिलीज, बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर आप भी दिल्ली जैसे शहर में खुद का घर लेना चाहते हैं और एक अच्छे बजट में घर ढूंढ रहे हैं, नियरेस्ट मेट्रो ढूंढ रहे हैं, अच्छे लुक और इंटीरियर के साथ देख रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आज का ये फ्लैट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि ये फ्लैट आपको मिल रहा है 80 गज में, 3 BHK मिल रहा है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट रहने वाला है, आपको रामा पार्क जैसी प्राइम लोकेशन मिल जाएगी और बहुत अच्छे लुक के साथ आपको फ्लैट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले लिफ्ट और कार पार्किंग देखिए, देन मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाऊंगी। आप सभी ने कार पार्किंग और लिफ्ट तो देख ही ली होगी। और ये रहने वाला है आपका एंट्रेंस गेट। ये फ्लैट में आप जहां से एंट्रेंस करेंगे आपका मेन एंट्रेंस गेट रहने वाला है। एंट्रेंस गेट के साथ ही सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए यहां पर आपको एक मंदिर का स्पेस दिया जा रहा है। यहां इस फ्लैट में आपको मंदिर का स्पेस भी दिया जा रहा है। इसमें आप अपना छोटा सा मंदिर लगा ही सकते हैं और आप देख ही सकते हैं इसका लुक भी काफी अच्छा है, व्हाइट थीम में आपको मिल रहा है। और इसी मंदिर के स्पेस के साथ अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ आपको टीवी पैनल मिलने वाला है। तो आप टीवी पैनल देख सकते हैं ग्रे थीम के साथ, ऊपर ओपन शेल्फ के साथ आपको मिलने वाला है। तो टीवी पैनल तो आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ लिविंग एरिया का स्पेस। तो आप देख सकते हैं 80 गज में 3 BHK लिविंग एरिया का पूरा लुक देखिए यहाँ पर कितना अच्छा आपको मिलने वाला है। सिटिंग एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्रे थीम के साथ देख सकते हैं सोफा सेट मिलने वाला है। स्पेस काफी अच्छा मिल जाएगा आपको, कॉफी टेबल आपको बीच में मिल रही है और लुक भी काफी अच्छा मिल जाएगा। आपने सीटिंग एरिया देख ही लिया है, लेकिन अगर आप पीछे की वॉल अगर आप देखेंगे, अगर उस पर थोड़ी सी नज़र घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल पे भी कितना अच्छे से काम किया गया है। यहाँ पर कोई क्विल्टिंग का काम भी, कोई वॉल पेपर नहीं, बहुत डिसेंट लुक के साथ आपको यह मिलेगा। और पीछे की साइड ये वाली वॉल देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिरर का वर्क मिलेगा, ब्लैक ग्लास का, और यहाँ पर आपको मिरर का काम मिलने वाला है। इसी के ऊपर आपको स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी दिया जा रहा है। तो लिविंग एरिया जो है काफ़ी अच्छा आपका तैयार कर दिया गया है, स्पेशियस आपको मिल रहा है, टीवी पैनल आपको मिल रहा है, एक छोटा सा मंदिर का स्पेस भी आपको लगा के दिया ही जा रहा है। तो आप पूरा यहाँ पर स्पेस नोटिस कर सकते हैं। तो लिविंग एरिया आपने देखा है, अब ज़रा एक बार ऊपर की साइड नज़र घुमाइए कि यहाँ पर आपको जो फोर सीलिंग का डिज़ाइन मिलने वाला है वो कितना शानदार और कितना ज़्यादा बेहतरीन मिल रहा है। तो फोर सीलिंग देखिए आपको तो शानदार सा चमचमाता हुआ झूमर मिल रहा है, 2 फैन आपको लिविंग एरिया में मिल रहे हैं और आपको कॉब लाइट्स यहाँ पर मिल ही रही हैं। लाइटिंग फ्लैट में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो बहुत अच्छा डिसेंट क्लासिक फ्लैट आपको मिलने वाला है। तो लिविंग एरिया अब आपका हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ लिविंग एरिया में आपको कॉमन वॉशरूम मिलेगा। तो यहाँ सामने ही आपको कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है, आप इसकी एक झलक देख सकते हैं यहाँ पर। तो कॉमन वॉशरूम आपने देख ही लिया है, आपको स्पेशियस मिल रहा है, प्रॉपर सैनिटरी फिटिंग के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, सारी चीज आपको ब्रांडेड मिलने वाली है। तो कॉमन वॉशरूम के बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम में, तो आ जाइए। सो फैमिलीज, ये रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम का स्पेस। तो आप देख सकते हैं इस बेडरूम को, बेड का स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पर। बेड के साथ साथ आपको इस बेडरूम में वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा। मेरे राइट हैंड साइड पे आपको शाफ्ट मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा।
इस साइड आपको यहाँ पर स्लाइडिंग के साथ आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाएगा। अच्छा, और लुक देख सकते हैं आप, वार्डरोब का ब्लैक ग्लास के साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। बेड के दोनों ही साइड आपको अच्छा स्पेस भी चलने के लिए मिल रहा है। अगर अब आप फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में आपको यहाँ पे टीवी पैनल तैयार करके दिया जा रहा है और साथ में यहाँ पर आपको एक टेबल भी लगा के दी जा रही है वॉल पर। ऊपर का लुक देख सकते हैं हम, ओपन शेल्फ आपको मिल रहे हैं, इसमें भी मक्खी लाइट आपको लगा के दी जा रही है, तो टीवी पैनल का लुक यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और पूरे फ्लैट में ग्रे थीम यूज़ किया गया है, मैं ग्रे कलर ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छे कलर के साथ आपको ये मिलने वाला है। तो इस रूम से जाने से पहले आप ज़रा इसके ऊपर की फोर सीलिंग देखिए, इसका डिज़ाइन कितना क्लासिक यहाँ पर आपको मिल रहा है। पूरा प्रोफाइल लाइट से काम किया गया है इसके अंदर, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन और शानदार मिलने वाली है। आपको ये फर्स्ट बेडरूम पसंद आया होगा, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेकंड बेडरूम में, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगी आपको किचन का एरिया, तो आ जाइए। सो आप किचन के अंदर एंटर करने से पहले बाहर का एरिया देख ही सकते हैं, जो वॉल यहाँ पर तैयार किया एंट्रेंस से पहले काफी अच्छी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। किचन भी पूरा व्हाइट थीम के साथ व्हाइट टाइलिंग का काम किया गया है। अब एंट्री के साथ आप देखिए, सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्रिज का स्पेस। सबसे पहले आपको फ्रिज का स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। फ्रिज के स्पेस अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर किचन में काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है, यानी कि आपका किचन जो है स्पेशियस किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है 3 BHK 80 गज के अंदर। और आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे व्हाइट थीम के साथ है, 5x5 फुट तक आपको व्हाइट टाइलिंग के साथ वॉल तैयार करके दी जा रही है। आपको जो यहाँ पर स्लैब मिलने वाली है वो भी व्हाइट थीम के साथ है। मिड में भी सारी टाइलिंग का काम किया गया है ताकि वॉल्स गंदी ना हो। और ऊपर की कैबिनेट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक ग्लास के साथ आपको मिलने वाली हैं। और सेंटर में आपको चिमनी का स्पेस भी दिया जा रहा है, तो सेंटर में आपको चिमनी का स्पेस मिल रहा है। कैबिनेट्स आपको सारी अच्छी मिल रही है। नीचे अगर आप कैबिनेट्स देखेंगे तो नीचे ही कैबिनेट्स का यहाँ पर जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया है, पर ये बहुत यूनिक और प्यारा कलर यूज़ किया गया है। इधर आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, बर्तन धोने का एरिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी वाटर फिटिंग्स रहने वाली हैं, जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग है, सब आपको यहाँ पर ब्रांडेड मिलने वाला है। कोई भी आपको यहाँ पर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि किसी भी चीज़ में कोई कमी रह जाए, क्योंकि फ्लैट बहुत अच्छा है, होम्स फॉर सेल आपके लेकर आया है। अब ज़रा एक बार आप किचन के ऊपर के फ्लोर सीलिंग देखिए। किचन जरूर पसंद आया होगा, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया है, क्योंकि किचन सबसे मेन चीज होती है। किचन में आपको ओपन मिलना चाहिए, बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी हो, लुक अच्छा हो, तो ये सारी चीजें आपको इस किचन के अंदर मिलने वाली है, तो विजिट करने जरूर आना। अब लेके चलती है आपको सेकेंड बेडरूम में, तो आ जाइए। सो फैमिलीज, ये रहने वाला है आपका सेकंड बेडरूम, यानी कि आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। और आपको एक चीज बार बार इसलिए बोल रही हूँ, ये फ्लैट आपको प्रॉपर वेंटिलेटेड मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, प्रॉपर वेंटिलेटेड फ्लैट आपको मिलेगा, शानदार आपका रहने वाला है। और वाइट ग्रे कलर का थीम यूज किया गया, तो एंट्रेंस के साथ आप इस रूम में देख सकते हैं आपको स्पेस भी मिलेगा और यहाँ बेड का स्पेस भी काफी अच्छा मिल रहा है। अगेन, फर्स्ट बेडरूम से ज्यादा स्पेशियस आपको इस सेकंड बेडरूम मिलने वाला है। बेड के दोनों ही साइड आपको अच्छा स्पेस मिल रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वार्डरोब मिलेगी यहाँ पर, तो आप वार्डरोब का लुक देख सकते हैं इसके अंदर। सो उधर आपको वार्डरोब मिल रही है यहाँ पर, इस साइड इसमें आपको मिल रहा है यहाँ पर वॉशरूम अटैच, क्योंकि मास्टर बेडरूम में तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, तो आप जरा वॉशरूम की झलक देखिए एक बार। ये था इसमें आपको वॉशरूम अटैच मिलने वाला है, अगेन स्पेशियस मिलने वाला है बेडरूम आपका, ये सेकंड भी काफी अच्छा रहेगा।
आप फ्रंट देखिए, टीवी पैनल पीओपी के डिजाइन से तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मोल्डिंग डिजाइन से आपका टीवी पैनल तैयार किया गया, और कितना डिसेंट और क्लासिक यहाँ पे लुक लग रहा है। तो ये था आपका सेकंड बेडरूम, स्पेशियस रहने वाला है, मास्टर बेडरूम है, वॉशरूम इसमें अटैच है, बालकनी आपको यहाँ से अटैच मिल रही है, और आप देखिए जो आपको यहाँ पर डोर मिलने वाले हैं यूपीबीसी वाले मिलने वाले हैं, तो काफी अच्छे लुक्स में आप मिलेंगे। अब जरा एक बार आप इसकी फोर सीलिंग देखिए, देन मैं आपको थर्ड बेडरूम पे लेके चलूंगी। सो आई होप आपको सेकंड बेडरूम पसंद आया होगा। अब मैं आपको थर्ड बेडरूम में लेके जाऊंगी, लेकिन यहाँ से नहीं बल्कि इस साइड से, तो आ जाइए। तो फैमिली ये रहने वाला है आपका बालकनी का स्पेस, ये आपकी बालकनी रहने वाली है, फ्रंट डोर भी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। तो ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम का स्पेस। अगेन ये बेडरूम भी स्पेशियस रहने वाला है, इस बेडरूम में आपको सारी चीजें मिलेंगी, वार्डरोब इसमें आपको मिल जाएगी, अगेन बेड के दोनों साइड यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है। और अभी जैसे मैं बालकनी से एंट्री करके इस रूम में आई, तो इससे तो पता चली गया होगी दोनों ही बेडरूम आपके सेकेंड और थर्ड दोनों बेडरूम आपके बालकनी से अटैच रहने वाले हैं। और इस रूम का आप लुक देख सकते हैं, अमेजिंग है। सामने आपको टीवी पैनल देखिए किस डिजाइन में मिल रहा है, टीवी पैनल सेंटर में आपको मिलेगा, दोनों साइड यहाँ पर आपको ओपन शेल्फ मिलेंगे, प्रोफाइल लाइट के साथ काम किया गया है, ग्लास का काम यूज किया गया है, तो काफी अच्छे लुक के साथ यहाँ पर आपको इस रूम में टीवी पैनल मिल रहा है। और ये रूम सच का होना तो वाकई में ही दोनों बेडरूम से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बालकनी अटैच आपको मिल रही है, टीवी पैनल मिल रहा है, वार्डरोब आपको मिल रही है। अब जरा आप इसकी फोर सीलिंग का डिजाइन देखिए। थर्ड बेडरूम, आपको एक चीज बता देती हूँ, तीनों ही बेडरूम में जो यहाँ पर फोर सीलिंग यूज की गई है, जो डिजाइन यूज किया गया है, इसने इसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया है। तो ये फ्लैट काफी सुंदर आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस शानदार से 3 BHK 80 गज में बने फ्लैट को खरीद सकते हैं। तो फ्रेंडीज, अगर आप वाकई में घर लेना चाहते हैं, एक अच्छे बजट में घर चाहते हैं, डिसेंट लुक में चाहते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं चाहते हैं, तो ये फ्लैट बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग। ये फ्लैट आपको द्वारका मोड़ जैसी प्राइम लोकेशन में मिल रहा है। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन आपका 1 किलोमीटर दूरी पर रहने वाला है। आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, ई रिक्शा अवेलेबल्स रहते हैं, बेसिक एमिनिटीज आपको मिलने वाली है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, स्कूल, मार्केट, जिम, बैंक, ATM, ये सारी बेसिक नीड्स वाली ज़रूरत आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फ्लैट काफ़ी अच्छा है, 80-90% आपका लोन भी हो जाएगा। तो ये सारी खूबियां आपको कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ होम्स फॉर सेल देता है, और एक से बढ़कर एक आपके लिए फ्लैट लेकर आता है। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, फ्लैट पसंद आया है तो विजिट करने जरूर आइए, और जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लो। मैं गीतांजलि आपको फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।